Welcome back to Education Solution. Today we are going to discuss the topic of measures of central tendency. So ये क्या होता है? So central tendency या measure of central tendency एक वो typical value होती है जो overall sample को represent करे, ठीक है, वो एक central value. The most common measures of central tendency जो हम लोग पढ़ते हैं वो arithmetic mean, median और mode होता है, ठीक है. तो कुछ characteristics होते हैं central tendency की, like आपके population का जो sample है, like 10 observations आपने ली हैं, तो उसकी जो central value होगी, जो overall sample को represent कर रही होगी, तो वो उसकी central tendency होती है, ठीक है. So इसकी characteristics होती है जैसे कि ये rigidly defined होती है, सारे items पे based होती है, easily understood होती है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है. और अगर सैंपल में फ्लक्चुएशन करेंगे तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ईजिली इंटरप्रेट होती है और फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ईजिली इस पर अप्लाइड हो जाती हैं. तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है मीन या अर्थमेटिक मीन, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन सेंट्रल टेंडेंसी होती है. इसे नॉर्मली एवरेज भी बोला जाता है. सो ये ऑप्टेन होती है बाय समिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. अगर हम लोग ना ही सिर्फ मीन बल्कि मीडियन और मोड की बात करें तो तीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं. तीन तरीके की फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे, जैसे कि अनग्रुप डेटा होगा जिसमें इंडिविजुअल सीरीज होगी, एंड ग्रुप डेटा अगर फ्रीक्वेंसीज के साथ दिया है तो या तो वो डिस्क्रीट सीरीज होगी या कंटिन्यूस सीरीज होगी, ठीक है. तो अनग्रुप डेटा की अगर बात करें, इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि अगर हम लोग को 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं बी कॉम ऑनर्स के, तो रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए हुए हैं जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं 67, 69, 66, 68, 72, 63, 76, 65, 70 एंड 74. तो ये तो हमारा रोल नंबर और मार्क्स हो गए. अब इसको निकालने का तरीका है कि सारे मार्क्स का आप सम कर लीजिए और टोटल डिवाइड बाई कितने मार्क्स दिए हुए हैं, तो वो हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हो जाएंगी. तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो समेशन एक्स डिवाइड बाय एन करेंगे तो आंसर 69 आ जाएगा. तो 69 हम लोग का अर्थमेटिक मीन या जिसे कॉमनली एवरेज बोलते हैं तो आ जाएगा. अब 69 से हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि हाँ, एक ओवरव्यू समझ सकते हैं कि रेंज कितनी होगी यहाँ पे हमारे सैंपल की. अब अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालें ग्रुप्ड डेटा के डिस्क्रीट सीरीज का, ना यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी होती हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है. तो फ्रीक्वेंसी के समेशन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकलती हैं. तो यहाँ एक्स बार का फॉर्मूला या मीन का फॉर्मूला जो होता है वो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है, ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के मार्क्स दिए हुए हैं कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए यहाँ पे 15 होगा 30 के पास एंड देन 20, 10, 15, 20, 15 एंड 5. जैसे कि हम लोग ने टेबल में बनाया है कि मार्क्स दिए हुए हैं एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज की 30 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट है, 40 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट है एंड सो ऑन, ठीक है. अब हम लोग अगर देखें कि 30 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट है तो ओवरऑल 450 स्टूडेंट्स मतलब 450 इसका एवरेज होगा मार्क्स का. तो एक्स बार निकालें तो सबसे पहले एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो एफ एक्स आ जाएगा एंड इन एफ एक्स का हमें समेशन करना होगा, ठीक है. तो समेशन एफ एक्स करने पे 5700 आ रहा है एंड समेशन एफ करना जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे वो 100 हो जाएगा. तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो हम लोग का अर्थमेटिक मीन 57 आया. नेक्स्ट है ग्रुप डेटा के कंटिन्यूस सीरीज की कैलकुलेशन करें अगर अर्थमेटिक मीन की, तो इसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइड बाय समेशन एफ होता है. नाउ एम क्या होगा? एम होगी मीडियन पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, मीडियन वैल्यू होगी. यहाँ पे क्या होता है ना कंटिन्यूस सीरीज में कि आपको फ्रीक्वेंसी ना देके क्लास इंटरवल दिया जाता है. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मतलब आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन ना देके उसका क्लास इंटरवल देगा, एक रेंज देगा अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह के उसमें आपको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मिड पॉइंट भी निकालना होगा आपकी जो क्लास इंटरवल है उसका. जैसे 10 से 20 दिया हुआ है तो इसके जो मिड पॉइंट आएगा वो 15 होगा, 20 से 30 का 25 होगा एंड सो ऑन. तो जैसे कि यहाँ पे हमने टेबल में आप देखिए तो क्लास इंटरवल के साथ उसका मिड पॉइंट भी निकाला है जो कि होगा 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 वैल्यू आ जाएगी, राइट. मतलब हर एक का एवरेज निकालना है हर एक क्लास इंटरवल का, देन उस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एफएम आ जाएगा. इसी एफएम का समेशन करना है जो कि 2250 आ रहा है एंड समेशन एफ हम लोग का 50 आ रहा है. तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का अर्थमेटिक मीन जो आएगा 45 आएगा. तो ये ओवरऑल व्यू है कि मीन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल वीडियो है समझने की कि तीनों तरीके के अर्थमेटिक मीन एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे बीएससी के हो चाहे एमएससी में हो, ठीक है. कैलकुलेशंस आ सकती है या सिंपल उसके लिखने को आ जाता है तो उसके लिए इजीली अंडरस्टूडेबल है. नाउ कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं या लिमिटेशंस देखते हैं अर्थमेटिक मीन की. तो उसका फायदा तो ये होता है कि सिंपलेस्ट एवरेज फॉर्मूला है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इजीली कंप्यूट कर लेते हो या इजीली आप इसे निकाल सकते हो. सो रिजिडली डिफाइंड है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दैट एवरी वन गेट्स सेम रिजल्ट फॉर सिंगल, ठीक. एंड इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. आपने देखा ना कि हमने सारी ऑब्जर्वेशंस का सम किया है तो सारी ऑब्जर्वेशंस में इंक्लूड होती हैं. सैंपल में फ्लक्चुएशन करोगे तो इसमें इफेक्ट जो होगा बहुत लीस्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी ज़्यादा होती जाएंगे उतना ही इफेक्ट कम होता जाएगा अगर हम लोग सैंपल में फ्लक्चुएशन कर रहे हैं.
मीन इज अ टिपिकल लाइक इट बैलेंसेज द वैल्यू ऑन अदर साइड, ठीक है। मीन जो कि वो सेंट्रल वैल्यू होगी जिसके दोनों तरफ वैल्यूज होंगे, लाइक एक तरफ लो वैल्यू एक तरफ हाई वैल्यू हो सकता है अगर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो। नाउ इट इज अ बेस्ट मेजर टू कंपेयर टू और मोर सीरीज डेटा की, यहाँ पर इसका एवरेज इतना होगा इतना एवरेज, तो ऑन एन एवरेज एक अप्रॉक्स हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एंड मीन जो होता है इस कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी पोजीशन, ठीक है। इसमें इसे हम लोग देखा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के लिए, इजिली जैसा आपको डेटा मिला है बस उसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं होगा। नाउ देर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो, लाइक इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल द वैल्यूज आर नॉट नोन। सारी वैल्यूज तो ऑब्वियसली पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 9 वैल्यूज पता है, 10th वैल्यू क्या है, और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10th पता है बट 10th वैल्यू नहीं पता है, तो इसे कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। द एक्सट्रीम वैल्यूज हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन मीन। एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर मान लीजिए आपका ओवरऑल एवरेज 7 आ रहा है बट एक्सट्रीम वैल्यूज़ का जो नंबर है वो 15 या 20 हुआ, तो हमें ये तो पता जाएगा कि एवरेज इतना है बट एक्सट्रीम वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफर कर रहा है वो हमें इसमें नहीं बतलता है। एंड थर्ड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर क्वालिटेटिव डेटा सच एज लव ऑनेस्टी ब्यूटी। क्वालिटेटिव नहीं डेटा का यूज़ से कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ क्वान्टिटेटिव डेटा यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, सो अगर आप को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।